नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं मोहनगढ़ में, जहां कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एपी सिंह मुंदेला जी हमारे साथ हैं और इन्हीं से जानकारी करते हैं कि जो चुनावी प्रचार है अब वो जनता के बीच जा रहे हैं, तो कांग्रेस की किन परिस्थितियों को देख रहे हैं। सर, जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्या आशा, किस आशा के साथ आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रति किसानों का बहुत रुझान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कमलनाथ की 15 महीने की सरकार बनी थी उसमें किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ कांग्रेस पार्टी कर रही थी, लेकिन भाजपा ने छल से जो 15 महीने की सरकार गिराई थी और हमारे जिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हो पाया था, और इन्होंने कहा था शिवराज सिंह जी ने कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन नहीं किया। इससे किसानों में बहुत रोष है और इसलिए किसान भाजपा के खिलाफ में वोट करके कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार है, क्योंकि कर्ज माफी का उनका बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर एक तरफ सुषपाल सिंह यादव लगातार एक बात को लगातार वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर गुंडई समाप्त की, जबकि आप अभी भाषण दे रहे थे तो आप एक केवट की हत्या का जिक्र कर रहे थे, तो पूरा मामला है क्या ये? भाई साहब, यहाँ पे बरेठी गाँव है और बहादुरपुरा तगाला पे उनका घर बना था केवट जी का, जसुगा केवट जी का, और जसुगा केवट जी की ने गोली मार के हत्या हुई थी, तो जिसकी 2-4-5 दिन हो गए थे। तो हम सामाजिक कार्यकर्ता थे, हम किसान नेता थे, तो हमने उनकी आवाज़ उठाई और पृथ्वीपुर में मुख्यमंत्री का उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, तो मुख्यमंत्री जी आने वाले थे और 2 दिन पहले हम पृथ्वीपुर में तहसील में ज्ञापन दे के अनशन पर बैठ गए कि जसुगा केवट की हत्या का खुलासा हो और हत्यारों को जेल पहुँचाया जाए, लेकिन जानबूझकर हमने ज्ञापन देने के बाद हमें पुलिस पर दबाव आया कि आप अनशन नहीं करेंगे, हम पर दबाव है। तो हमने किस प्रकार का दबाव है, हम तो हत्यारों को पकड़ने की बात कर रहे हैं, उनके परिवार को राहत की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम नहीं माने और हमने पृथ्वीपुर तहसील के बाहर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे। तो बैठते ही शाम के समय पूरे पुलिस प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रभाव से और हमको मौके पर जाकर गिरफ्तार किया और 3 दिन के लिए हम निवाड़ी जेल में भी हम गए और उस हत्या को छुपाने का काम किया, और 2 साल बाद भी आज भी हत्यारों का खुलासा नहीं हो पाया है। अफसोस की बात है, अगर उस दिन मेरी आवाज़ को नहीं दबाया जाता तो आज हत्यारे निवाड़ी जेल के अंदर होते। अभी नितिन सिंह राठौर यहाँ से उम्मीदवार हैं, लगातार जनता के बीच वो भी हैं आप लोग, तो क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी से कितनी आगे खड़ी दिखाई दे रही है? कांग्रेस पार्टी इतनी आगे है कि भाजपा की जमानत जब्त होने वाली है। जनता ये चुनाव नितिन सिंह लड़ रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी, इस बार चुनाव जनता लड़ रही है, क्योंकि 2 साल पहले जो उपचुनाव हुआ था उसमें हमारे मत को नहीं डालने दिया गया था, हमारे साथ जबरदस्ती हुई थी, लोगों को घर में बंद करवा दिया गया था, लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लोगों के अंदर रोष है और लोग जनता ही इस चुनाव को लड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत पृथ्वीपुर विधानसभा से होने वाली है। मतलब स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर जी के समर्थन में, सपोर्ट में अब जनता वोट कर रही है? बिल्कुल, नितिन सिंह राठौर के समर्थन में जनता वोट कर रही है और कांग्रेस पार्टी बहुत बहुमत से जीत रही है। आपको क्या लग रहा है भोपाल में परिस्थितियां क्या बनेंगी? भोपाल में भी सरकार पूरे मध्य प्रदेश में रोजाना है, क्योंकि जो बेरोजगार युवा है और युवा हर गाँव में युवा है, हम कई गाँव में गए, लोग BA MA MSc करके भी खेतों में मूँगफली फटा रहे हैं, तो उनके माता पिता को भी कष्ट है कि अपने बच्चे को ग्वालियर अंदर पढ़ाया है, आज खेतों में भैंसे चरा रहे हैं या मूंगफली बटा रहे हैं, तो उनको कितना कष्ट होता होगा। तो लोगों की भावना ये है कि कमलनाथ सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने जो वचन पत्र दिया है, उन्होंने 2 लाख रोजगार के लिए सरकारी नौकरी के लिए कहा है और हर गाँव में 2 से 4 नौकरी नहीं निकालेंगे, इससे युवाओं में भी बड़ा प्रभाव है, पढ़े लिखे लोगों में वो भी कांग्रेस के समर्थन में वोट कर रहे हैं। इस बार अब की बार सुषपाल सिंह यादव जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो लगातार एक शब्द को कह रहे हैं 800 करोड़ रुपये की योजनाएँ हम प्रतिपुर विधानसभा के, तो वो योजना क्या उतरी धरातल? नहीं, वो सरपंच द्वारा जो काम कराए गए उसको भी अपने में जोड़ रहे हैं, नगर पंचायत द्वारा काम कराया उसको भी अपने जोड़ रहे हैं। आपने क्या कराया? आपने कुछ नहीं कराया, आपने लोगों पर झूठे प्रकरण दर्ज कराए, आपने लोगों की जमीनों पर नोटिस जारी कराए, आपने लोगों की सोसाइटी बलदवाने का काम किया है, आपने सिर्फ दमनकारी नीति का काम किया है, आपने धरातल पर कोई काम नहीं किया है। जो शासन की योजनाओं के काम होते हैं उन्हीं को अपना बता के काम कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा तो बृजेंद्र सिंह के टाइम की योजना की घोषणा हुई थी, उन्हीं कामों पे फीता काट काट के नारियल फोड़ फोड़ के अपना काम बता रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं करवाया है। नितिन सिंह राठौर अब की बार यहाँ लोकल में कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं? कम से कम 40-50 हज़ार वोटों से जीतने वाले, 1 लाख से प्लस वोट नितिन सिंह राठौर के आने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी के 1 लाख से वोट आएंगे और इनकी जमानत जब्त होने वाली है भाजपा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। आगे आप लोगों से मुलाकात, तब तक आप सभी लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।